आपको पता होना चाहिए ना कि जैसे आप जैसे मेरे अगर मेरी कंप्यूटर पे हम चेक मैं देखूंगा तो मेरे में एक करेक्ट. फोल्डर है जो नापसंद लिखा है जिसमें मेरे स्क्रैचेस जो मैं हाँ बनाता हूँ जो मुझे ही नहीं पसंद है मैं उस पर डाल देता हूँ। करेक्ट. इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पर काम नहीं करता, रीवर्क करके शायद वो अच्छा लग गया। तो अपने आप वो पता होना चाहिए खुद को कि भाई क्या आपका काम जो आपको अच्छा, ऐसा काम जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं हाँ उम्मीद कैसे करूँगा कि आपको अच्छा लगेगा, करेक्ट. तो वो फोल्डर है। अभी जाके ना पिक्चर है, देयर वी सी अ लॉट ऑफ स्टार पावर देयर, बट वी डोंट गेट दैट थिंग कि यार सम सॉन्ग इज प्रॉम्प्टिंग अस टू गो एंड वॉच अ मूवी, राइट? डू यू सी दैट हैपनिंग इन द फ्यूचर अगेन? नहीं, अभी प्रॉब्लम क्या होगी ना, अभी प्रॉब्लम रीमेक की हो गई है। ओरिजिनल गाने ऐसा नहीं कि नहीं बन रहे, बट बहुत कम प्रोड्यूसर ऐसे हैं कि वो कंपोजर को बोल रहे हैं। और मैं ये भी बोल रहा हूँ साथ साथ कि ऐसा बिल्कुल ही कि जो कंपोजर काम कर रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं बना सकते, लेकिन प्रोड्यूसर्स को नहीं चाहिए। आई थिंक मेरी एक फिल्म आई थी सड़क पे, उसमें ये सेम प्रॉब्लम हुई थी। उस गाने आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, आप में से कोई भी, उसके दो वर्जन पड़ेंगे, एक जो मेरा फेवरेट है, एक जो उनका फेवरेट आपके अरिजीत के है। बारे में ऐसा कहा जाता है कि यू नो दे आर लाइक अ फोर्स टू रेकन विद, यू नो ब्रदर्स फ्रॉम अदर्स अनदर मदर वाला जो इक्वेशन होता है, असली जिंदगी में भी वैसा इक्वेशन है विद अरिजीत? हमारा रिश्ता, मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, हमारा उसका रिश्ता संगीत का है, म्यूजिक का है। अगर मैं आपको पूछूं तीन ऐसे सीख जिंदगी के जो आपको मुंबई ने सिखाया, विच यू हैव लर्नड एंड केप्ट वेरी क्लोज टू योर हार्ट एज अ लर्निंग कर्व फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वो क्या होंगे वो तीन सीख? मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ ऑलवेज। हाय, दिस इज अंकित तिवारी, और बहुत कमाल का इंटरव्यू रहा, बहुत मजा आया, और जब ये रिलीज होगा तो आपको भी उतना ही मजा आएगा। तो प्लीज सुनिए इस इंटरव्यू को, और शुभजीत के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छा कंटेंट है उनके चैनल पे। और मेरी तरफ से बहुत 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 गुड गुड विशेस आपको। थैंक यू सो मच थैंक सर, मजा आ गया. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट नाउ. थैंक यू. थैंक यू। अच्छा, तो सिंगिंग के जो फ्रेटर्निटी है, सिंगिंग के फ्रेटर्निटी में अ लॉट ऑफ पीपल कम टुगेदर, अ लॉट ऑफ पीपल क्रिएट इम्पैक्ट, लेकिन वो जो एक स्टेडी ग्रोथ होता है वो स्टेडी ग्रोथ, लेकिन ये वो ऐसे वाले स्टॉक है बेसिकली जो एक भी जैसे ही मार्केट में आए तुरंत उन्होंने उछाल मारा, और वो जो उछाल उन्होंने मारा उसके बाद उछाल बढ़ता गया और अभी जो है वो ऑल टाइम हाई पे प्राइस चल रहा है उनका. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टॉक कॉल्ड अंकित तिवारी. फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशंस मुझे पसंद है एंड आई एम प्रीटी श्योर एवरीबडी लव्स इट एज वेल. दैट इज द एग्जैक्ट काइंड ऑफ सुकून दैट ही गिव्स टू एवरीबडी विथ हिज मेलेडी विथ हिज सॉन्ग्स. थैंक यू सो मच सर मेरे साथ थैंक यू जुड़ने के सर, लिए. थैंक यू सो हाउ आर मच। यू आई एम फर्स्ट ऑफ गुड, ऑल? हाँ, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, एक अलग स्टॉक सा मार्केट वाला. स्टॉक मार्केट वाला। मुझे प्लीज आप बताइए सर कि यू नो यू कीप रिलीजिंग इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स एंड मैं कोई एक और इंटरव्यू आपका सुन रहा था, आपका एक नापसंदीदा वाला भी फोल्डर है, तो मतलब फिल्टर होके 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 जाके यू सेट योर ओन स्टैंडर्ड्स दैट हाई कि कभी कभी जो गाने आपको रिलीज होने के बाद भी पसंद नहीं आता वो भी इवेंचुअली ऑडियंस को पसंद आ जाता है, राइट? दैट शोज द काइंड ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स दैट यू सेट फॉर योर सेल्फ, राइट? ये विद एक्सपीरियंस हुआ कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑलवेज हैड हाई नहीं, स्टैंडर्ड्स फॉर एक्चुअली योर आप सेल्फ? देखो, आपको पता होना चाहिए ना कि जैसे आप जैसे मेरे अगर मेरी कंप्यूटर पे हम चेक मैं देखूंगा तो मेरे में करेक्ट. एक फोल्डर है जो नापसंद लिखा है जिसमें मेरे स्क्रैचेस जो मैं हाँ बनाता हूँ जो मुझे ही नहीं पसंद है मैं उस पर डाल देता हूँ। करेक्ट. इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पर काम नहीं करता, रीवर्क करके शायद वो अच्छा लग गया। तो अपने आप वो पता होना चाहिए खुद को कि भाई क्या आपका काम जो आपको अच्छा, ऐसा काम जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं हाँ उम्मीद कैसे करूँगा कि आपको अच्छा लगेगा, करेक्ट. तो वो फोल्डर है। मुझे एक चीज बताइए सर, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सक्सेस वॉज नॉट सर्व टू यू इन अ प्लेटर, राइट? आप खुद आए, बाहर से आए, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड पैशन स्पेशली फॉर दोज पीपल जो बाहर से आके करते, बिकॉज यू नो द हासिल इज फॉर रियल, राइट? कुछ आपको मिलता नहीं, खुद आपको हासिल करना पड़ता है. दैट फर्स्ट एवर मोमेंट ऑफ सक्सेस वेर इट कैन बी अ मोमेंट वेर पीपल स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग यू, बिकॉज आज के दिन में सिंगर्स इतने हैं, गाने भी कभी कभी इतने चल जाते हैं कि सिंगर्स का जो फेस वैल्यू है कभी कभी वो लोगों को याद नहीं रहता, गाना सुनते इधर उधर. बट द टाइम यू वे पीकिंग,
इट्स लाइक एवरीबडी नोज अंकित तिवारी बाई फेस, एवरीबडी नोज से इवन बिफोर अगर मैं बोलूँगा सोनू निगम बाई फेस, शान बाई फेस, राइट? आई फील ओवरऑल वो सिंगर्स का जो फेस वैल्यू है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, बट वॉट वॉज योर फर्स्ट एवर मोमेंट ऑफ सक्सेस जब आपको लोग पहचान गए, दैट फर्स्ट एवर क्रेजी फैन मोमेंट जो अगर मैं बोलूँ अगर, तो वो क्या था, यू रिमेम्बर? हाँ मतलब सबसे पहले तो लोगों ने एक्चुअली मुझे ना पहचान के आवाज पहचानी थी, हाँ, which was आवाज more मत, important. आवाज मतलब कि ये पहचाना था कि ये गाना अच्छा है तो, और ये कौन है क्या है, तो क्रेडिट पे लिखा था अंकित तिवारी, तो एक लड़का होगा अंकित तिवारी जिसका एक गाना है ये पसंद है, मुझे तो नहीं पहचानते थे। करेक्ट. लेकिन मुझे पहचानना वहां से शुरू किया कि जब नॉमिनेशन हुए थे और जब यू नो अवार्ड मिला था तो आप स्क्रीन पे होते, और वो उस वक्त क्रेज था आशिकी टू का जी बहुत ज्यादा, जी तो किसको मिला है अवार्ड क्या हुआ, तो उसमें मुझे से लगा कि बहुत लोगों ने देखा है, उसके बाद पहचाना शुरू हुआ कि लोगों ने बाई फेस लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया कि अंकित तिवारी तिवारी, ऐसा हुआ। आशिकी टू. इनफैक्ट मुझे याद है मैं स्कूल में आई थिंक 11th या 12th स्टैंडर्ड में था. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ अस ओवर देयर वी वेंट ऑन टू वॉच द फिल्म बिकॉज द सॉन्ग्स वर हिट, यू नो, जो कि एक रिवर्स ट्रेंड कहा जाता है. यूजुअली ऐसा होता है कि यू नो गाने जाके देखते, या फिर यूजुअली गाने पहले आते, बट आई थिंक द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस हैपनिंग कि गाना देख के लोग पिक्चर देखने के लिए थिएटर में जाते वो बहुत कम हुआ है. बट आई थिंक विद आशिकी टू इट वॉज एट एन ऑल टाइम हाई, राइट? टॉक अबाउट योर सॉन्ग्स, अरिजीत सॉन्ग्स, एवरीथिंग कमिंग टूगेदर, क्रिएटिंग दैट ब्यूटिफुल स्पेस विच ऑफकोर्स श्रद्धा एंड आदित्य डिड कम्प्लीट जस्टिस टू, राइट, ऑन स्क्रीन. वॉट डू यू हैव टू से अबाउट दैट ट्रेंड की, बिकॉज अभी जाके पिक्चर है, देयर वी सी अ लॉट ऑफ स्टार पावर देयर, बट वी डोंट गेट दैट थिंग कि यार सम सॉन्ग इज प्रॉम्प्टिंग अस टू गो एंड वॉच अ मूवी, राइट? डू यू सी दैट हैपनिंग इन द फ्यूचर अगेन? नहीं, अभी प्रॉब्लम क्या होगी ना, अभी प्रॉब्लम रीमेक की हो गई है, ओरिजिनल गाने ऐसा नहीं कि नहीं बन रहे हैं, बट बहुत कम प्रोड्यूसर ऐसे हैं कि वो कंपोजर को बोल रहे हैं। और मैं ये भी बोल रहा हूँ साथ साथ कि ऐसा बिल्कुल ही कि जो कंपोजर काम कर रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं बना सकते, लेकिन प्रोड्यूसर्स को नहीं चाहिए आई थिंक, उनको आसान वाला होता है कि आप वो पॉपुलर गाना है उसको उठा के रीमेक कर दे और गाना बन गया और गाना वापस से हिट हो गया, तो अभी वो एक प्रॉब्लम है। तो म्यूजिक मतलब अभी एक फिल्म आई थी विक्की कौशल की, उसमें गाना था तौबा तौबा, वो ओरिजिनल गाना था और वो बहुत बड़ा हिट हुआ, वो गाना थिएटर में ले गया लोगों को, करेक्ट. तो है आज भी वही, लेकिन आपको आपको बनाना पड़ेगा गाना, मतलब आपको म्यूजिक बनाना पड़ेगा। सर आप एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हो, एंड क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए आई थिंक क्रिएटिव एबिलिटी प्लस क्रिएटिव लिबर्टी दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी होता है, राइट? बट देन ऑफ कोर्स व्हेन यू कोलैबोरेटिंग फॉर अ प्रोजेक्ट एंड देयर आर अदर स्टेक होल्डर्स इज वेल, राइट? म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्सेट्रा. कभी कभी व्हाट माइट बी गुड एंड फीजिबल फॉर द क्रिएटिव पार्ट माइट नॉट बी गुड फॉर द कमर्शियल पार्ट, विच ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स माइट हैव टोल्ड यू. तब जाके वो जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं जाके कॉम्प्रोमाइज होता है, अगेन बिकॉज जो चल रहा है उसको चलने दो, राइट? एज दैट परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हु हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन ओजी ओरिजिनल स्टफ, जब वो आपको वो पार्ट कॉम्प्रोमाइज करना होता है, डू यू फील अपसेट? हाँ मतलब, और हुआ भी है ऐसा, तो वहाँ पे वो ये जो आपने बात बोली ना, ये फिल्मों में बहुत होती है, इंडिपेंडेंट इसलिए तो अच्छी, वो वर्ड ही इतना अच्छा है इंडिपेंडेंट म्यूजिक, करेक्ट. मतलब यू आर डूइंग योर ओन थिंग, जो करना है करो, किसी और नो का डज यू डोंट हैव टू सी. हाँ नो बडी इज देयर टू टेल यू कि देयर इज दिस सिचुएशन, प्लीज मेक दिस 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 काइंड ऑफ सॉन्ग, ये ऐसा है फिर ऐसा है, ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट मीन्स इंडी पॉप, यू आर डूइंग योर ओन थिंग, आपका दिल में क्या क्या आ रहा है किस तरह से जो कर रहा है प्लीज गो अहेड, ये प्रॉब्लम फिल्मों में देखने को मिलती है। और मैं हमेशा से बोलता हूँ हमारी इंडस्ट्री में बहुत गिने चुने ऐसे डायरेक्टर हैं जो म्यूजिक समझते हैं, आप उंगलियों पे गिन लोगे, वो नाम ही बहुत कम है, आप हर फिल्म में तो वो बना रही ना या नहीं बना रहा, या हर बार ऐसा तो हो नहीं रहा कि आप उन्हीं के साथ काम कर रहे हो, करेक्ट. तो अलग अलग ऐसे एक्सपीरियंस मिलते हैं जहाँ पे आपको बहुत हर्ट होता है, जहाँ पे वो बहुत सीनियर है बहुत बड़े हैं, वो आपकी सुने सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते आपको, क्योंकि उनको लगता है उनके लिए फिल्म बहुत बड़ी है और वो फिल्म के साथ ऐसा, जबकि हमारा मतलब और कंपोजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले
ये मकसद नहीं होता कि मैं कुछ ऐसा कुछ कर रहा हूँ। हमारा मकसद ये है कि हम अपना, अगर फिल्म उतनी अच्छी है तो हमारा ऑडियो भी उतनी अच्छा जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, बिकॉज दोनों अच्छे जाएंगे दोनों तो अच्छे जाएंगे तो ये मैजिक क्रिएट होता ही होता है, और वो ऑलरेडी प्रूव ऑलरेडी, ऐसा नहीं, कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो फिर केमिस्ट्री डेवलप नहीं होती, फिर वहां पे थोड़ा सा कोई बहस हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है, वो है, इट्स देयर। बट ये क्या है मुझे समझना है, बिकॉज यू नो ऑन वन हैंड देर आर सिंगर्स लाइक यू, अरिजीत सिंह एंड देर आर अदर फ्यू पीपल एज वेल, जिनको मुझे लगता है कि कम वॉट मे इन एनी सिचुएशन बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स दैट दे हैव गिवन बिफोर, उनके ऊपर ब्लाइंड फेथ करके उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। जैसे मैं पर्सनली मैं समझता हूँ कि जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए, राइट? नहीं सर, ऐसा कम नहीं होगा वाई डज इट ना। हैपन? मेरा बिकॉज मेरी मैं आपको एक बहुत एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक फिल्म आई थी सड़क पे, उसमें ये सेम प्रॉब्लम हुई थी। उस गान, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, आप में से कोई उसके दो वर्जन पड़ेंगे, एक जो मेरा फेवरेट है, एक जो उनका फेवरेट। ऑडियंस डिवाइड हो जाती है, क्या सुने, कौन सा सुने। फिर उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूसर वो छोड़ेंगे जो उनको पसंद है। आपको वाला बाद में रिलीज किया गया, ऑडियंस पहले वहाँ चली गई, वो बात मानी नहीं गई, उसमें कुछ अलग रिएक्शन आ रहा है, इसमें कुछ अलग रिएक्शन आ रहा है। हंसता कौन है? क्रेडिट पे क्या लिखा है? कंपोजर अंकित तिवारी, सिंगर ब्ला ब्ला, जो जो वही बोलेगा, अंकित भाई आपने ऐसा किया, वो किया, ये किया, ये होता है। आप भी फिर बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती यू नो एज फार एज योर न्यू सॉन्ग इज कंसर्न सर, तुम क्या हो, यू मैनेज टू पुल ऑफ अ ब्रिलियंट पेयर ऑन स्क्रीन विद जॉन अब्राहम एंड संजीदा, जो कि मैं देखता हूँ कि यू नो उस लेवल के मेन स्ट्रीम एक्टर्स यू नो यूजुअली फॉर सिंगल्स या फिर म्यूजिक वीडियोज यूजुअली शायद बिकॉज उनका स्केड्यूल उतना रहता है, उस हेक्टिक लेवल पे रहता है कि यूजुअली वो लोग उतने म्यूजिक वीडियोज पे नहीं दिखते, राइट? सो व्हाट डू यू क्रेडिट दिस टू, इट इज योर ओन ब्रिलियंस और जस्ट द गुडविल एंड इक्वेशन दैट यू हैव क्रिएटेड इन द इंडस्ट्री इन ऑल दीज इयर्स, बिकॉज ऑफ व्हिच यू कुड पुल अ जॉन अब्राहम और अ संजीदा, यू नो आई एम प्रीटी श्योर होपफुली क्वाइट इजीली एज वेल? सी। इजी तो ऐसा नहीं होगा कुछ यार, मतलब आसान तो ऐसा नहीं है, बट थैंक्स टू हिम कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया। और हमने फिल्म में भी काम किया है, दो फिल्में की हैं, तो उस दौरान पे ऐसी बात की थी कि यार कुछ करते हैं, यार कुछ अलग से करते हैं। तो जॉन इज वेरी डाउन टू अर्थ, और उनका एक अलग ही पर्सोना है, मतलब एक अलग ही वाइब है उनकी। वो बड़े बड़े अच्छे से बात करते हैं, वो एकदम रिलैक्स कर देते हैं, एटमोसफियर बहुत अच्छा हो जाता है उस वक्त पे। तो हम तो ऐसे बात करते रहते थे कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और उस वक्त पे नहीं हो पाया। फाइनली जब वो टाइम आया तो मैंने फोन किया, तो ही टोल्ड मी प्लीज सेंड सेंड 6 गाने दे, तो कहते प्लीज सेंड ऑल दो सॉन्ग्स। तो मैंने भेजे, फिर मैंने बोला कि पर्टिकुलरली इस गाने के लिए बात करी कि इस गाने पे करना है। उनको गाना बहुत अच्छा लगा कि यार दिस इज नाइस, थॉट इज वेरी गुड, और ऐसा ऐसा ब्ला ब्ला सब कुछ बोला। और फिर वो हमको टाइम भी लग गया, क्योंकि मॉनसून के पहले शुरू किया था ये प्रोसेस, फिर बारिश आ गई, सब कुछ, रुक जाता है उस टाइम पे। हाँ और बहुत सब डिले होता चला गया चला। और फिर उस वक्त का शेड्यूल, इस वक्त के शेड्यूल में फर्क पड़ गया, क्योंकि जिस वक्त वो बिजी बिजी था, बहुत हमने एक ही दिन में शूट किया है पूरा गाना, वेरी अर्ली मॉर्निंग टू, मतलब 10 बजे के आसपास रैप किया था। फिर पहले जॉन और फिर संजीदा आई, मतलब ऑन ऑन बोर्ड आई। उनसे बहुत सारी, वो इशी इज वेरी, उनका भी नेचर बहुत प्यारा है, वो बहुत अच्छे से मिली, सबसे मिली, सबको बहुत अच्छे से यू नो बातचीत की, और शी इज वेरी प्रोफेशनल, अपना काम किया, सब अपना अपना काम कर रहे थे। मैं याद है कि मैं सेट पे बार बार जा रहा था, देखता था, फिर मैं वापस आता था, फिर मैं बैठ जाता था, फिर जाता था, फिर वो से 3 बार गया। वो जॉन ने देखा मुझे, उसने मुझे बुलाया कि अंकित कहाँ? मैं कहता क्यों वैसे तुम बार बार यहाँ पे? मैंने कुछ नहीं, मैं बस ऐसे टेंशन क्यों ले रहे हो यार, क्योंकि मेरे चेहरे पे शायद दिख गया था स्ट्रेस दिख कि अंकित गया क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, था। कितना स्मूथ जा रहा है सब कुछ। मैंने कहा आई एम जस्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड यू नो मेरा
बेबी है और इस तरह से काम हो रहा है, तो उसमें वो चिल रिलैक्स दिल से शूट करेंगे, पूरा दिन है अपने पास, बहुत अच्छा शूट होगा। तो ऐसा नेचर है उनका। तो थैंक्स टू, आई थिंक सबको ही थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उनकी जो मैनेजर है मीनाक्षी, थैंक्स टू हर कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट की, जॉन एंड संजीदा, छोटी सी बच्ची है वो भी बड़ी प्यारी सी थी, अरिजीत सिंह उनको भी थैंक्स बोलना चाहूंगा, अरिजीत की टीम उनको भी थैंक्स बोलना चाहूंगा, और अरिजीत के फैंस स्पेशली जो बहुत प्यार दे रहे हैं इस गाने को, सभी फैंस को बहुत बहुत थैंक यू कि वो इतना इज्जत दे रहे हैं, इसको इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे जो प्यार करते हैं जितने भी हैं, कम है ज़्यादा है बट जितने भी हैं उनको थैंक यू। और ओवरऑल इस प्रोजेक्ट मेरी मेरी मैनेजमेंट पवन भरद्वाज मेरा मैनेजर, उसको थैंक यू, यू नो सबको थैंक यू, जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ मेरे गाने, उनको थैंक यू कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रोजेक्ट इट्स अ टीम वर्क ऑलवेज, और जितनी भी टीम सबकी जुड़ी है, एक प्रोजेक्ट सामने आया है, मैं सबको बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। दोस्तों मैं पहली बार उनसे मिलके यू नो सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ। टॉप टू बॉटम मुझे एक ही वर्ड दिख रहा है, ह्यूमिलिटी। दैट इज व्हाट आई कैन डेफिनेटली से इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। आपके और अरिजीत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यू नो दे आर लाइक अ फोर्स टू रेकन विद, यू नो ब्रदर्स फ्रॉम अदर्स अनदर मदर वाला जो इक्वेशन होता है, असली जिंदगी में भी वैसा इक्वेशन है विद अरिजीत? हमारा रिश्ता, मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, हमारा उसका रिश्ता संगीत का है, म्यूजिक का है, दो वी आर नॉट बडीज, हम लोग ऐसा मतलब हैंग आउट ऐसा कुछ बैठे Because हुए, everybody लोगों is busy in their own को lives, ही right? बिजी, उनकी अपनी जिंदगी में अपनी व्यस्तता है, हम मैं अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हूँ, और बट हमारा रिश्ता म्यूजिक का है, और संगीत के प्रति उनको पता है कि मैं मेरी दिल में कितनी इज्जत है उनके लिए, और मुझे भी पता कि उनको मेरी इज्जत है मेरे संगीत को लेकर, म्यूजिक को लेकर, वो एक बड़ा कमाल का रिश्ता है, और वो हमेशा रहेगा। सर एक चीज मैंने और ऑब्जर्व किया, अगर आप 2000s के टाइम पे अगर आप जाओगे सिंगर्स को लेके, म्यूजिक को लेके, जब प्रमोशंस होते थे, ट्रेलर लॉन्च होता था एक्सेट्रा, ऑलमोस्ट एवरी ट्रेलर लॉन्च हैड द म्यूजिक टीम अटेंडिंग एज वेल, राइट? मुझे दिखता था उस टाइम टॉकिंग अबाउट फिल्म, फिल्म म्यूजिक ऑफ कोर्स, यस। उस टाइम पे कास्ट होता था, एक्टर्स होते थे, डायरेक्टर्स होते थे, प्रोड्यूसर्स भी ऑफ कोर्स होते थे, म्यूजिक टीम जो है वो भी होता था। ऑफ लेट इन द लास्ट आई थिंक 5-6 years और सो, स्पेसिफिकली मैं देखता हूँ कि कास्ट है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, बट कभी कभी गाने जो सबसे पहले आते हैं, द इनिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑडियंस टुवर्ड्स द मूवी, 8 out of 10 times मुझे म्यूजिक टीम वहां पे दिखता नहीं, उनको बुलाया नहीं जाता, क्या होता है, ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग रॉन्ग इन दैट एरा? आई थिंक मतलब लकीली मुझे, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे बकायदा बुलाया गया है, मैं गया हूँ और बहुत सम्मान के साथ बुलाया गया, बहुत प्यार के साथ बुलाया गया, डिपेंड करता है डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स पे भी कि उनकी इक्वेशन कैसी है, हाउ मच दे फील द म्यूजिक टीम इज कि हाँ इम्पोर्टेंट। कि उनको आना चाहिए, बुलाना चाहिए, सिंगर्स को आना चाहिए, और भले ही वो एक इवेंट को दो इवेंट में डिवाइड कर दें, तीन इवेंट में डिवाइड कर दें कि आज इनका हो गया, इनका हो गया, आज म्यूजिशियन का, बट ऐसा होना तो चाहिए, ऑफ आई थिंक कोर्स दैट्स ऑल्सो इज फेयर, यू नो, बिकॉज दे डिजर्व इक्वल अमाउंट ऑफ 110% यार, क्रेडिट। 110% प्रोजेक्ट से उतना ही, देखो म्यूजिक के पीछे भी डायरेक्टर लगा है, वो म्यूजिक डायरेक्टर है, म्यूजिक राइटर का जॉब ऐसा होता है कि यहाँ से गाना शुरू हुआ और यहाँ तक डिलीवरी देनी है, ये पूरी जर्नी है उसकी, लिरिसिस्ट आता लिख के चला जाता है, सिंगर आता गा के चला जाता है, म्यूजिशियन आता बजा के कंपोजर नहीं जाता कभी, कंपोजर को हर एक स्टेप पे रहना है जब तक वो मास्टर डिलीवर ना करते, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उसकी। इतने साल हो गए सर आपको मुंबई में, यू हैव सीन द हाईज, यू हैव सीन द लोज, एंड बाय गॉड्स ग्रेस यू आर अगेन सीइंग द हाईज। अगर मैं आपको पूछूं 3 ऐसे सीख जिंदगी के जो आपको मुंबई ने सिखाया, विच यू हैव लर्नड एंड केप्ट वेरी क्लोज टू योर हार्ट एज अ लर्निंग कर्व फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वो क्या होंगे वो 3 सीख? मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ ऑलवेज, आप गुरु हो आपकी, मतलब आप अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे कभी भी, और जब भी कुछ उल्टा सीधा या गलत कर रहे होगे तो आप मतलब अंदर ही टोक देगा कोई ना कोई आपको कि क्या है यार, योर ओन कॉन्शियंस। पहली चीज तो,
आप अपने आप से बात करो, खुद से बात करो, खुद ही आंसर मिलेगा। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी वो होता है ना कि जब रोने धोने का टाइम ज्यादा लगे कि यार बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो समझ लेना कि मतलब भगवान ने आपको चुन लिया है, तकलीफ दे रहा है, तो मतलब आगे का कुछ बेहतर कोई समय नहीं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आपके सब दोस्त हैं और यहाँ पे आपका कोई भी दोस्त नहीं है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये थोड़ी शायद दिस इज वेरी डीप थिंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सब दोस्त हैं और यहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं है, तो ये चीज़ आप थोड़ा जहन में रखिएगा और ये सोच के आगे बढ़िएगा। एक चौथी चीज़ लास्ट, जी एक ये चीज़ ऐसी, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है जो भी आप करने आ रहे हो, और यहाँ ये यहाँ वही सेम जगह है जो आपका फोकस डाइवर्ट करती ही करती है। तो बस वो बोलते हैं ना कि वो घोड़ा वाला, वो क्या पहन लो और सामने देखो, सेम ऐसा ही कर रहा है। आप अपना गोल मत भूलो, आप अपना फोकस डाइवर्ट मत करो, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे डाइवर्ट होने के लिए, बहुत चीज़ें, बस वो मत भूलो, बाकी जो करना है आप करो, फोकस आपका सही रहे, स्ट्रेट होना चाहिए, जो भी आप गोल है आपको वो ध्यान रखना। देयर इज अ रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड मायानगरी, हाँ, फॉर द सी या रीजन। दैट्स अ रीजन। यू नो सर, आप इतने अच्छे गाने बनाते हो, यू सिंग, द सॉन्ग्स आर इंटेंस, दे गेट क्लोज टू योर हार्ट, यू फील अ कनेक्ट विद द सॉन्ग्स एज वेल, बट व्हाट डू यू स्टे टू पर्सनली स्टे रेजुविनेटेड एंड हैप्पी मेंटली? आपका वो जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है वो क्या है? ऑफ कोर्स इट कम्स फ्रॉम गुड वर्क, सबके लिए वो चीज है, इफ यू आर एन आर्टिस्ट यू फील, यू डू गुड वर्क यू फील हैप्पी, राइट? बट अदर टाइम्स व्हेन यू आर से नॉट वर्किंग, What are the things that you really, really focus on? हैप्पीनेस इज प्राइसलेस एक्चुअली, उसको मैं उसको तोला नहीं जा सकता, बट स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, विद माय डॉटर, निकल जाना उनके साथ, और जब इफ आई एम नॉट वर्किंग, मैं स्टूडियो में अगर नहीं हूँ, अगर मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, उनके साथ निकल जाना, उनके साथ बैठना, घर पे ही फिल्म देखना अगर कुछ भी ना कर रहे हो, उनके साथ आर्या के साथ खेलना, और वो एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है मुझे ऐसा लगता है, कि क्योंकि स्ट्रेस इतना रहता है बाहर की लाइफ में, तो आप घर जाते हो तो ऐसा लगता है कि ये सुकून है भाई, आपकी मॉम, आपका घर, जो भी आपके क्लोज है, आपकी वाइफ, आपका प्यार आपको हक करता है, तो बहुत एकदम रिलैक्स। मेरी बेटी मुझे हक करती है, किस करती है, मैं एकदम आई एम गुड, रिचार्ज, वापस से काम करो, ऐसा है। ओह नाइस। आप अपने होम टाउन से बाहर आके मुंबई आए, यू हैड योर शेयर ऑफ स्ट्रगल्स एंड देन यू बिकेम अंकित तिवारी। अंकित तिवारी वॉज जस्ट नॉट अ नेम, अंकित तिवारी वॉज अ बॉलीवुड नेम, राइट? एंड आफ्टर दैट आई एम श्योर लेटर कभी ना कभी जाके आप अपने होम टाउन वापस गए होंगे, राइट? हाँ, वॉट वॉज द काइंड ऑफ रिसेप्शन दैट यू रिसीव्ड ओवर देयर? क्या था वो माहौल? बहुत अलग, बहुत प्यार, पूरा ढोल वोल लेके एयरपोर्ट से लेके घर तक हाउ आना, वो नाइस। सब, और नीचे वेट करना, मैं अपने घर से सबको देख रहा हूँ, हाय बोल रहा हूँ, सब मुझे बुला रहे हैं, फोटो क्लिक, तो मैंने सब, मैं जितना पॉसिबल था सब मिला कुछ लोगों से, और यही है कि फिर घर पे रहो, ज़्यादा नहीं निकल, ज़्यादा निकलना फिर नहीं हो पाता था, बट मैं ऐसा नहीं, मैं निकलता था, मुझे पसंद है वहाँ पे वो रोड साइड फूड खाना, तो मैं निकलता थोड़ा बहुत खाता था, मेरे फेवरेट जॉइंट है जहाँ पे खाना वाना बचपन में खाते थे, वहाँ जाता हूँ, आज भी मैं जाता हूँ, सब करता हूँ, पान का बहुत शौक है, मीठे पान का, हाँ, मीठा पान खा लेता अरे हूँ वाह, मुंह में पानी आ गया ये सुन के। भाई और वो चाट वाट बड़ी फेमस है हमारे ऑफ इधर की, कोर्स। तो इधर गोलगप्पे बोलते हैं, उधर पानी के बताशे बोलते हैं, पानी के बताशे, चाट और बनारसी चाय, बहुत सब कुछ कर लेता हूँ क्या बात मैं, है कर यार, लेता हूँ। हाँ, मैनेज हो जाता है हाँ ओवरऑल। हाँ कार में बैठे हो अपने हाँ दोस्तों लोग हाँ साथ, अपने कुछ लोग घिर के आराम कर पी के इतना आ जाता, हाउ नाइस। और कोई मिल भी जाता तो मैं प्यार से मिल भी लेता हूँ। हाँ, यही चीज को लेके मेरा फॉलो अप सवाल था, वी कमिंग स्लोली टू द लास्ट लेग ऑफ द कॉन्वर्सेशन। वो ये है कि जब एक इंसान को यू नो सक्सेस मिलता है, सफलता मिलता है उसके हार्ड वर्क के बाद, ऑफ कोर्स वो डायरेक्शन पे फोकस रहता है ताकि वो आगे जाके और मेहनत करे और आगे बढ़े, राइट? उस चीज के यू नो चक्कर में कभी कभी रिश्ते जो है, चाहे वो दोस्ती हो,
चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो या कोई भी हो, कभी कभी वो लेवल पे वो कमिटमेंट रख नहीं पाता इंसान जिस लेवल पे चाहे वो रखना चाहता है। इट कैन बी देयर ओन बिजी स्केड्यूल और व्हाटएवर, राइट। दोस्त पीछे छूट जाते हैं उस चक्कर में, कभी कभी दोस्त गलत भी समझते हैं। यू नो पीपल फील कि अरे यार ये तो सक्सेसफुल हो गया, बड़ा आदमी बन गया, अभी अपने को याद नहीं रखता, भूल गया। बट फनीली जो इंसान इज एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग दैट सक्सेस, उसके दिमाग में वैसा है ही नहीं, बिकॉज ही सो फोकस्ड इन हिज लक्ष्य, राइट। आपके जिंदगी में ऐसा हुआ है व्हेन यू हैव लॉस्ट आउट ऑन बहुत फ्रेंड्स? बहुत फ्रेंड्स, रिश्तेदार, और मतलब ये बहुत आसान है, और मुझे तो टैग मिला है, घमंडी हो गया है ऐसा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता उसका। क्योंकि क्या है कि एक चीज तो बहुत क्लियर है, अब इसमें किसी को बुरा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन ये क्लियर है, मैं बोलना चाहूंगा कि हमारी उनकी पेस ही अलग है, सो ट्रू, समझ गए। बॉम्बे में ठहर गए मतलब बोर हो जाओगे, एब्सोल्युटली, और सर्वाइव नहीं कर पाओगे नहीं कर मोस्ट पाओगे। आप इम्पोर्टेंट। देखोगे कि आप ठहरे बैठो तो आपके आसपास कोई नहीं, क्योंकि सब भाग रहे। तो यहाँ पे तो भागना है, यहाँ पे तो बैठ के ऐसे चिल, मतलब ये इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, आप अपना काम कर रहे हो, मुझे इंटरव्यू करना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। वरना आपको लगता है आपके पास इतना टाइम होगा कि आप यहाँ बैठो इतनी देर तक, या आपको लगता है मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं बैठूं यहाँ पे इतनी देर तक। बट हमारे होम टाउन में है टाइम, मेरे होम टाउन में भी है, वो कोलकाता बैठ में। के हमारे उधर उधर बतियाना, गप्पे लड़ाना है, निकल तो फिर वहां पे जब इतना टाइम है तो वो निकलता है। अरे ये तो ऐसा हो गया है, बात ही नहीं करता। तो इट्स ऑल अबाउट पेस, कि हम शायद उतना नहीं वहां पे जा पा रहे हैं। हमको पड़ी हुई नेक्स्ट डे की, अच्छा ये है, अच्छा अब ये है, कितने बजे यहाँ पे ये करना है, इतने बजे ये करना है, रिहर्सल्स करनी है, ट्रैवल है मेरे 3-4 दिन का, ये तो फिर वो हो जाता है। और मैं तो हमेशा अपने घर वालों को ये बोलता हूँ कि चांसेस है कि शायद मैं ना कर पाऊँ, आप प्लीज फोन कर लो ना, मैं बात ना करूँ तब बोलना, या अपने दोस्तों को ये बोल देता हूँ कि प्लीज कॉल मी, मैसेज मी, तो मैं बात कर लेता हूँ। हाँ मेरे से मिस हो जाता है, और मेरे से मुझे याद क्या रहता है ये भी मैं कहकर बोल देता हूँ। मुझे याद रहता है जैसे टाइम निकलता है कि मुझे आर्या से बात करनी है, मेरी बेटी से, तो मैं अपनी वाइफ को फोन करता हूँ, आर्या को, फिर उससे वीडियो चैट करता हूँ। बहुत ऑब्वियस चीज है, मतलब इसमें अगर कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो मुझे भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपनी बच्ची से बात चीज कर पे, रहे, वो हाँ। टाइम वहां दे रहा है, जो एकदम ऐसा है ना। एंड आई थिंक यू नो जिस तरीके से आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, आपकी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर हो जाते हैं, एंड यू नो वेट टू एलोकेट दैट टाइम, राइट। यू नो मतलब आई एम अनमैरिड, बट से इन फ्यूचर व्हेन आई गेट मैरिड, राइट नाउ माय बिकॉज आई स्टिल लिव अवे फ्रॉम माय फैमिली, तो माय टाइम फॉर वीडियो कॉल्स इज डेडिकेटेड टू माय पेरेंट्स, राइट। इन फ्यूचर व्हेन आई गेट मैरिड, इट विल बी विद वाइफ, बच्चे वगैरह, सो इट्स हाँ वेरी वाइफ के सिंपल। साथ होगा, लेकिन जब बच्चे हो जाएंगे हाँ तुम्हारे ना, तो वो हाँ बदल जाएगा, हाँ फिर वो तुम्हें लगेगा कि टाइम मिले ही, मैं अपने बच्चे से थोड़ा बच्चे एक बात बार कर बात कर लूँ। लूँ। वाइफ को भी बोलोगे फोन दे देना उसको, वो भी समझ तो वाइफ वहां जाएगी बैठी होगी, तुम बच्चे से बात कर रहे होगे। ये वेवलेंथ। फैक्ट है, ये होना ही है, होता ही है। तो ये प्रायोरिटी बदलेगी, तो यहाँ पे समझदारी मम्मी पापा की होगी आपके, कि करेक्ट, वो समझेंगे कि ठीक है, हाँ एब्सोल्यूटली ये है। एब्सोल्यूटली। सर लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो वुड बी कि इतने सालों का तजुर्बा, एंड मुझे लगता है कि, मुझे नहीं लगता, इनफैक्ट हर जगह बोला जाता है कि कोई ना कोई इंडस्ट्री, हर एक कोई इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री हो, बिजनेस का कुछ हो, हर 5 साल में कुछ ना कुछ एक पैराडिम शिफ्ट होता है जो कि ट्रेंड बदल जाते हैं, राइट। आप इतने सालों से देख रहे हो, आपने तो कितने ट्रेंड बदलते हुए देखे, बट कौन सा वो एक ऐसा ट्रेंड है जो आपको लगता है पॉजिटिव ट्रेंड है टुवर्ड्स अ गुड फ्यूचर? देखो मुझे ये मैं बोलना चाहूंगा, जितने भी इंस्पायरिंग म्यूजिशियन हैं आप, जो भी सुन रहे हैं आपके चैनल के थ्रू, तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये टाइम है आपका, ये वो दौर है। आपको गानों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप पे मेहनत करनी है, आप अपना म्यूजिक बनाओ, और आपको फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप अपना म्यूजिक बनाओ, आपको लगना चाहिए कि ये बनाया, मतलब ये है इसमें, इसमें दम है। मेरा दम है, और वो आप रिलीज करो। आप कहीं कहाँ रिलीज करो, तो रिलीज के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्रिएट योर ओन पेज, क्रिएट योर ओन इंस्टाग्राम, योर ओन यूट्यूब चैनल, और उस पर डालना शुरू करो। अब आप बोलोगे कुछ नहीं, कंटेंट डालो, कंटिन्यू कंटिन्यू डालते रहो, रुको नहीं। आज एक, अब आपने सोचा कि मैंने 10-15 चीजें डाल दी, कुछ हो नहीं रहा है,
शायद ना, वो शायद होती जाए, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आपके कंटेंट में दम है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ये है इंडिपेंडेंट थिंग, और आप उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको, आप किसी भी शहर में बैठे हो वहां से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलरली कहीं पर जाने की जरूरत है। तो ये कमाल की चीज़। ये बहुत सर इंटरेस्टिंग चीज आपने बोला कि कंसिस्टेंसी। बहुत लोग के पास टैलेंट होता है, पोटेंशियल होता है, दे हैव द माइंडसेट टू सक्सीड, बट वो कंसिस्टेंट नहीं होते एंड दे फॉल अपार्ट। सो कंसिस्टेंसी मेरे दोस्तों इज द मंत्रा फ्रॉम द वन एंड ओनली अंकित तिवारी सर। तुम क्या हो आ चुका है, सब लोग प्यार ऑलरेडी दे रहे हो गाने को, इनके जितने भी गाने आए इन द फ्यूचर उनको भी उतना ही प्यार दो, इनको खुद को एज अ पर्सनैलिटी बहुत सारा प्यार दो। एंड एक मैं डायलॉग चिपकाना चाहूंगा कि इनको जो प्यार दोगे उसका 0.5% मुझे और मेरे यूट्यूब चैनल को भी दे दो, तो भी भला हो जाएगा मेरा। बट थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया मुझसे बात करके, थैंक यू। एंड एक चीज मैं जाते जाते आपको जरूर देना चाहूंगा, मेरे चैनल पे जितने भी गेस्ट आते हैं उनको मैं गिफ्ट हैम्पर जरूर देता हूँ, तो मैं आपके लिए भी लेके आया हूँ सर। तो आई होप मैडम को ये चीज पसंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल खोल सकते हो, बिल्कुल 100%। आई होप मैम को ये चीज पसंद आए। सो दिस इज आवर फैशन लेबल एंड वी गिव कुर्तीज एंड एथनिक आउटफिट। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट यू डू इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।